उड़ीसा से यूपी गांजा तस्करी कर ले जा रहे दो आरोपी दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपियों के कब्जे से 50 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। ये गांजा एक कार्ड के माध्यम से तस्करी कर रहे थे। आपको बता दें कि जीप कार से गांजा बरामद किया गया है, वो दुर्ग आरटीओ पासिंग है। वहीं पुलिस का दावा है कि आरोपी गांजा उत्तर प्रदेश से ला रहे थे। दुर्ग पुलिस की नशे के खिलाफ की जा रही मुहिम जियो खुलकर के तहत आदित्य बदमाशों पर सख्त नजर रखी जा रही थी। इसके तहत कुम्हारी पुलिस को सूचना मिली कि सफेद रंग की टाटा कार में उड़ीसा से गांजा तस्करी कर ले जा रहे थे। सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे 53 स्थित टोल प्लाजा के पास दुर्ग पुलिस घेराबंदी कर दो संदिग्ध को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 50 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी कार सवार गुड्डू यादव और अखिलेश लोधी को हिरासत में लिया है। पुलिस को आरोपियों ने बताया कि गांजा को उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। गांजे की कीमत लगभग 13 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दुर्ग पुलिस के द्वारा काफी वर्षों से जियो खुलकर नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज एक ट्रांसपोर्टिंग जो कि गांजे के ट्रांसपोर्टिंग हो रही थी उसको क्रैक किया गया है। इस पर से हम लोगों ने 50 किलो गांजा, एक लग्जरी कार जिसमें गांजे का परिवहन किया जा रहा था, दो व्यक्ति भी गिरफ्तार किए हैं। एक शिवपुरी मध्य प्रदेश का रहने वाला है और एक राजस्थान का रहने वाला है। इनके खिलाफ पूर्व में भी रिकॉर्ड होंगे, संबंधित पुलिस से पत्राचार और कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। अभी इसमें कार्रवाई की जा रही है। ये लगभग 13 से 14 लाख का गांजे का मार्केट वैल्यू है और 50 किलो इसकी मात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।